खुशी हुई आपके इस शाला में अभिभावक, क्योंकि मैंने एक पुस्तक लिखा सफल छात्र, लाखों पुस्तकें बिकी हैं, उसे मैंने एक ही कहा 30% शिक्षकों का दायित्व तो है, 40% छात्रों का है और बचा हुआ 30% अभिभावक। इसलिए हम अपने हिंदुओं में देखते हैं कि शंकर जी और पार्वती के बीच में गणेश जी है, जब तक माँ बाप पढ़े या ना पढ़े अपने बच्चों को बीच में नहीं लेंगे कोई बात नहीं होगा। वो बच्चे कितना विश्वास करते हैं, एक छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची हावड़ा के जो पुलिया उसके पर पार कर रही थी तो उसका पापा उसको बोले कि बेटा मेरा हाथ पकड़ लो। उस छोटी सी लड़की ने कहा पापा मेरा हाथ पकड़ो। फिर दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, 6-7 दिन हुआ तो पिता ने कहा मैं जब भी तुमको बोलता हूं बेटा मेरा हाथ पकड़ो तुम बोलते नहीं पापा आप मेरा हाथ पकड़ो। तब बच्ची ने क्या कहा, अभिभावक को जरूर सुनना चाहिए, बच्ची ने कहा पापा अगर मैं आपका हाथ पकड़ लूं हो सकता छूट जाए लेकिन आप मेरे बाप हो, एक बार हाथ पकड़ लो मैं छूट नहीं सकता। जब बच्चे आप में इतना विश्वास करते हैं, मैं इस मंच के थ्रू यही कहना चाहता हूं, मेरा सौभाग्य की बात है, इस स्कूल का गौरव की बात है, इतने पेरेंट्स बहुत कम में आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ समय आप जरूर देंगे। मैं मैथमेटिक्स के जगह मैथ्स प्लस एथिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैथ्स एंड मैथमेटिक्स, व्हेन एथिक्स इज एडेड टू मैथ्स दैट इज मैथमेटिक्स, व्हाट इज एथिक्स, एड योर हैप्पीनेस, आप अपने सुखों को जोड़िए, सब्स्ट्रैक्ट योर सॉरोस, आप अपने दुखों को घटाइए, मल्टीप्लाई योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों को बढ़ाइए, डिवाइड योर एनिमीज, आप अपने दुश्मनी को भाग दीजिए। यही गणित है, गणित कोई बात नहीं। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मुझे हेल्पलाइन में कहा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के गणित के बच्चे डरते हैं। मैं सुनता था तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें गणित में डर लग गया, तो मैं बोला दो तरह के तुम्हारे टीचर या अभिभावक बोलते होंगे, एक तो बोलते होंगे जो डर गया वो मर गया, और दूसरा अभिभावक या टीचर ये भी बोलते होंगे डर के आगे जीत है। देखिए दोनों मुहारे एक ही है, लेकिन बताने का एक पॉजिटिविटी सकारात्मक आप मोटिवेट करिए बच्चों को। बच्चों को जब तक मोटिवेट पॉजिटिव की ओर नहीं करेंगे, क्योंकि इसी रेगिस्तान का मैं बता रहा हूं, एक बूंद पानी आकाश में गिरते हुए यह सोच रहा है कि मेरी मंशा है कि यहां पर हरा भरा वृक्ष हो, लेकिन बादल और हवा उनके साथी उसको धक्का मारते मारते समुद्र की ओर ले गए और समुद्र में बताए ऊपर से एक बूंद, तुम इतनी बात करते हो पॉजिटिव एटीट्यूड का, देखो समुद्र में करोड़ों बूंदे हैं कोई मतलब नहीं। उसने कहा मैं पॉजिटिव एटीट्यूड सकारात्मक सोच के साथ जीती हूं। तो बादल और हवा ने उसे धक्का मारते हुए गिरा दिए, लेकिन आपका सकारात्मक सोच रहे वो बूंद गिरते गिरते सीप के मुंह में गिरा और मोती बन के बाहर निकला। एक बार आप पॉजिटिव सोचिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि